आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने 13 तारीख पर सबूत मांगे सरकार से, इस पर बस्तर सांसद ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्या कहना चाहते हैं सर? हम उन्हीं से बात करते हैं। दिग्विजय सिंह ने भी 13 तारीख के सबूत मांगे हैं, ये क्या कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जैसे बहुत सारे नेत्रों हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जिसके कारण जो है ना हमारा सेना का मनोबल घटता है, और खास करके चीन हो चाहे पाकिस्तान जो है ना, जो है ना आज की स्थिति में हमारे जो है ना सेना के कारण ही, जो है ना सेना की तत्परता के कारण जो है ना इन क्षेत्रों में आज किसी प्रकार का जो है ना घुसपैठ नहीं हो रहा है, और जो है ना सैनिकों का किसी आपस में जो है ना बीच में डोकलाम में आपस में भिड़ गए थे। इस तरह से देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे प्रधानमंत्री लगातार, और आपको मालूम होना चाहिए कि 40 पुलवामा में 40 से ऊपर जवान हमारे मारे गए थे, और उस समय उन्होंने कहा था कि इसका हम बदला लेंगे, और पिछले दिनों जो स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक करके, और स्वयं सेना के तीनों अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद थे, और वार रूम में स्वयं प्रधानमंत्री जो कार्रवाई 35 मिनट का कार्रवाई था, जो हमारे फाइट जो है ना उड़ करके जो है ना जाकर के उनको दुश्मन ठिकानों को ध्वस्त नाश कर दिया, और पाकिस्तान कुछ इसका प्रमाण दे रहा है। इनको दिग्विजय सिंह जैसे सिरे लोग तो बोलते रहते हैं। ममता बनर्जी ने भी इस सर्जिकल स्ट्राइक को, या कि जो पुलवामा में हमला हुआ इसको भी चुनाव से समय से जोड़ते हुए बोल दिया है। असल में क्या है, अब कम्युनिस्ट के बाद जो है ना ममता जी का भी जो है ना धरती हिलने लगा है, वहाँ की जनता जो है ना आप देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बहुत भीड़ आ जाता है कि नहीं, और लोग जो है ना शारदा जो चिटफंड का मामला है उसमें उनके सारे सांसद भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो है ना उनको अपने नैया डूबते दिखती है, और हर चीज़ को वो कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री का चाहे, अब आप बताइए प्रधानमंत्री का वो एक भी योजना को लागू करना चाहती, जबकि भारत के आधा लोगों को जो है ना आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य का जो है ना इलाज होना है, लेकिन उसने उसने लागू नहीं किया है, और यही नहीं अपना जो 5 एकड़ किसान वाले जो 6,000 जाना है उसका भी अभी तक दस्तावेज नहीं भेजी। इस तरह से वो राजनीतिक दृष्टि से काम करती है, भाई कोई भी योजना हो जिसमें जनता का भला हो रहा है, किसान का भला हो, आम लोगों का भला हो रहा है, उसको लागू करना चाहिए और जो है ना उनको लाभ देना चाहिए। अभी कांग्रेस में सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के हिंदू संगठनों को टारगेट करने की कोशिश की है, उनकी डाटे मंगाए जा रहे हैं, उनकी जांच करने की स्थिति बनाई जा रही है, हर मामले में शायद बात कर रहे हैं, ये क्या दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं लोग? जब से सरकार बनी है तब से कांग्रेसियों ने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं, जो काम मतलब छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज में डूबी हुई है, और ये कर्ज जो है ना आम जनता के ऊपर भार पड़ेगा, और अब जो है ना इनको भूत सवार हो गया है कि आरएसएस चिल्ला रहे हैं, और कौन कौन पर पूरा हिंदुस्तान तो हिंदू का ही राष्ट्र है भाई, अब इसमें कौन हिंदू संगठन है, कौन क्या संगठन है, इस तरह की जो है ना दुर्भावना से काम करेंगे तो अच्छी बात है, राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल गलत बात है, और भारत की जनता इसको माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा हुआ? देखिए आप पिछले बार भी देखे होंगे बहुत सारे संसदीय क्षेत्र में हम लोगों का बढ़त नहीं मिला था विधानसभा चुनाव में, लेकिन हम वहाँ पर भी 1 लाख से अधिक अंतरों से हम जीते हैं, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे कांकेर हो, चाहे महासमुंद हो, और हमारा खुद का बस्तर हो, बस्तर में भी हम जो है ना हम पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,26,000 जीते थे। इस तरह से विधानसभा का चुनाव अलग होता है, और लोकसभा का चुनाव
अलग होता है और इसके कारण जो है लोग देश की एकता अखंडता और जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश को कम समय में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और जो विकास काम हुए हैं, जो लोगों को ऐसे ऐसे काम हुए जिसमें जो कभी हो नहीं सकता था, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य बताना चाहता हूँ, जिसमें जो है ना मैं पिछले दिनों कुछ लोगों को बुलाया था, जिसमें आँख का इलाज हुआ है, 34,000-40,000 ऐसा खर्च आता है उनको रहने खाने सारी व्यवस्था जो है ना, और भारत के 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। ऐसे उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, अभी जो है ना 6,000 किसानों को जो है ना सीमांत किसान को देने की बात हो, अनेकों आज सड़क के बारे में बात कर ले, हवाई जहाज हमारे यहाँ चालू हो रहा है, ट्रेन चालू होने वाला है, तो ये सारी विषय इतना है कम समय में 5 साल भी नहीं हुए और उन्होंने जो है ना हर क्षेत्र में अलग अलग पहचान बना के भारत को छठवें राष्ट्र के रूप में, विश्व में छठवां राष्ट्र के रूप में उन्होंने आगे ला करके रखा है और उनके नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं और काम होता रहेगा। अभी कांग्रेस पार्टी कुछ नेता आरोप लगा रहे थे कि देश में युद्ध के जैसे हालात हैं और भारतीय जनता पार्टी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम कर रही है, तो जबकि इसके कुछ दिन पहले ही अभी राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पुलवामा में घटना हुई, इतनी बड़ी जो है ना सेना के जवान मारे गए और दूसरे दिन राहुल गांधी यहाँ पर जो है ना टाटा प्रभावित लोगों को जमीन तो पहले से वापस उन्हीं किसानों के पास था और वैसे भी 5 साल तो किसी उद्योग को नहीं लगता है तो ऐसे समाप्त हो जाता है। इस तरह के नाटक नोटर के करके जमीन वापस करना, जमीन तो किसान कमा ही रहे थे, कोई उन्होंने कोई लागत दिया तो नहीं है, तो इस तरह के जो है ना ये लोग जो है ना उन लोगों में से है जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, आपको मालूम होगा दिल्ली में JNU का जो वो है वहाँ पर जाके ये लोग जो है ना लोगों से मिलते हैं, जिस प्रकार के लोगों से, ये हमको और क्या प्रमाण चाहते हैं हमारे से। तो ये जो बस्ता के सांसद सुरेश कश्यप जी जो काफी जो काफी तीखे स्वर में इस बात की निंदा की है कि लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सबूत मांगे या सबूत जैसी बातें करें, बस्तर से संजीव पचौरी दखल की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।